पेरिस ओलंपिक 2024 में जबरदस्त हॉकी की नुमाइश करते हुए भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल मुकाबला 6 अगस्त को है, जहां भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। लेकिन उस बड़े मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए खबर एक अच्छी नहीं है। उसके साथ वही हुआ है जिस बात का डर था। सेमीफाइनल में उसे अपने सबसे अनुभवी डिफेंडर अमित रोहिदास के बगैर ही खेलना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के स्टार डिफेंडर को एक मैच के लिए बैन कर दिया गया है। भारतीय डिफेंडर अमित रोहिदास को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रेड कार्ड दिखाया गया था। दरअसल मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी के मुंह पर जा लगी थी, जिसके एवज में उन्हें रेड कार्ड मिला था। अब रेड कार्ड मिलने के बाद अमित रोहिदास उस पूरे मैच से तो बाहर हो ही गए थे, और अब सेमीफाइनल मुकाबले में भी वो नहीं खेल पाएंगे। FIH की तरफ से बयान जारी भी किया गया है। आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर अमित रोहिदास पर एक मैच का बैन लगाया गया है। वो मैच नंबर 35 यानी भारत और जर्मनी के बीच जो सेमीफाइनल होना है उसमें नहीं खेल पाएंगे। भारत को अब उनके अलावा बाकी बचे जो 15 खिलाड़ी हैं उनमें से ही अपनी टीम बनानी होगी और सेमीफाइनल में उतरना होगा। अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिलने की घटना, भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच जो दूसरा क्वार्टर फाइनल हुआ उसमें दूसरे क्वार्टर में जाकर हुई। एक शॉट को खेलने के दौरान उनकी स्टिक ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी विल कल्नान के चेहरे पर जा लगी थी। ऑन फील्ड रेफरी को उसमें कुछ भी सीरियस नहीं लगा था, लेकिन बाद में उन्होंने वहां पर वीडियो रेफरल मांग लिया, और इंग्लैंड के वीडियो रेफरल मांगने के बाद ही वहां पर यह हुआ कि अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखाया गया। अब वो सेमीफाइनल से बाहर चले गए हैं। वैसे आपने तो देखा ही होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि 4 अगस्त को भारत और ग्रेट ब्रिटेन का जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ उसमें भारत को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से जीत मिली है। इससे पहले दोनों के बीच जो 4 क्वार्टर हुए थे वो 1-1 की बराबरी पर छूट गए थे। अब टीम इंडिया के मेडल की उम्मीद अभी भी जिंदा है, और 6 अगस्त को भारत और जर्मनी के बीच सेमीफाइनल है। हर किसी की निगाहें इस पर लगी हुई है, और हम तो यही कहेंगे कि ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।